नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकायल विक्रमा राय पीजी कॉलेज हरैया में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर के पहले दिन माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शुभारम्भ किया गया। इसके पश्चात स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं ने सरस्वती वंदना सुनाई, राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत गाया। छात्र छात्राओं ने मनमोहन ढंग से स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सैकड़ों स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वयं सेवक स्वयं सेविकाओं ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कॉलेज परिसर में साफ सफाई भी की। शिविर का समापन 29 फरवरी को किया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी राकेश विश्वकर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एकीकरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज सेवा करने का अवसर मिलता है। बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक करना ही NSS का उद्देश्य है। चीफ प्रॉक्टर राजनंदन पाठक ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं स्वयं सेवक स्वयं सेविकाओं को नैतिक शिक्षा की जानकारी भी दी। उन्होंने स्वयं सेवक स्वयं सेविकाओं को बड़ों का सम्मान करने, व्यवहार कुशलता व आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। वहीं प्रबंधक धीरज राय ने स्वयं सेवक स्वयं सेविकाओं को चरित्र व आचरण के विषय में भी बताया। कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को चरित्र निर्माण के लिए नए अवसर मिलते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है कार्यक्रम अधिकारी राकेश विश्वकर्मा ने, आप सुनिए। राकेश विश्वकर्मा, प्राचार्य विकाल विक्रमा राय, पीजी कॉलेज सगड़ी आजमगढ़। आज राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का पहला दिन है, जिसमें कार्यक्रम माँ सरस्वती के पूजन से प्रारंभ हुआ। बच्चियों ने स्वागत गीत इत्यादि प्रस्तुत भी किया। कुछ साफ सफाई का भी कार्यक्रम हुआ। आगे बहुत सारा कार्यक्रम है, तो दिन ब दिन चलता जाएगा। समापन 29 तारीख को है। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक विशेष नहीं बल्कि खास उपक्रम है, जो निस्वार्थ भाव से उन क्षेत्रों में सेवा पहुंचाता है जहां तक आवश्यकता है। गरीब, असहाय इत्यादि की सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि संदर्भ में बहुत सारा संदेश देने का प्रयास होता है।